बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस बीजेपी की चिंता ना करे और जनता के बीच जाकर अपना खोया हुआ विश्वास प्राप्त करे, क्योंकि जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं होता है तो वह कांपने लगती है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे और भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी से मुलाकात की। बंद कमरे में चुनावी रणनीति और संगठन के मुद्दों को लेकर सिंधिया ने स्थानीय नेताओं से चर्चा की। सिंधिया ने बीजेपी से जुड़ने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं रह गया। कांग्रेस बीजेपी की चिंता छोड़े और जनता के बीच जाकर अपना खोया हुआ विश्वास प्राप्त करे। देखिए, जब कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं है बात करने के लिए, तब वो कांपने लगती है। एक एक विधानसभा का डेटा स्वतः ही अध्यक्ष जी के हाथ रखा गया है और कांग्रेस भाजपा की चिंता न करे। कांग्रेस अपने खोई हुई जनता के बीच में विश्वास का ज़्यादा चिंता करे, इस बात का मैं आह्वान करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं रही, कांग्रेस अब ज्योतिषी बन गई। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।